मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर, आज आप लोगों को कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो है वैद्युत क्षेत्र। ये पहले यूनिट का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक। तो कोई आवेश से उस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाया जाए तो बल का अनुभव हो। जैसे मान लो एक आपके पास आवेश है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी आवेश को लाने से, मान लो क्यू नॉट को ला रहे हैं, धन परीक्षण आवेश को, तो जिस पर बल का अनुभव जहां हो सके, जहां तक उसको आवेश के चारों तरफ क्या कहेंगे, उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये आपका आवेश है, इसके चारों तरफ ये क्षेत्र है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर लाया जाए तो वैद्युत बल लगेगा कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों के बीच में। तो वहां तक क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल लग सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब एक है वैद्युत बल रेखाएं आती हैं, वैद्युत बल रेखाएं इसमें क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो प्लस से बाहर की तरफ निकलती हैं। ये प्लस आवेश आपके पास है तो ये प्लस से निकल करके अनंत तक जाती है, धन से निकल करके अनंत तक जाती है। और अगर ऋण आवेश है, माइनस क्यू है, तो अनंत से चल करके ऋण आवेश की ओर आती है वैद्युत बल रेखाएं। और ये वैद्युत बल रेखाएं जितने प्रबल होंगी उतने ज्यादा वैद्युत क्षेत्र इसके चारों तरफ होगा। इन वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हैं। पहला तो यही हो गया कि ये धन आवेश से निकल करके अनंत तक जाती है। और क्या होता है कि ये ऋण आवेश अनंत से ऋण आवेश की ओर आती है वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाएं अगर दोनों प्लस आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित कर देती हैं। यूं कभी काटती नहीं है, कभी ये काटेंगी नहीं। क्यों नहीं काटेंगी, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा, इससे जो निकलेगा ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे। ऐसे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। दूसरा गुण ये हो गया कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। लेकिन अगर विजातीय आवेश है तो विजातीय आवेश होता है अगर, यह ऐसे निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा या माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर एक माइनस है और दूसरा प्लस आवेश है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू से बाहर की तरफ निकलेंगी और ये इकट्ठा, क्योंकि ये आकर्षण बल लगता है इसलिए एक दूसरे से मिल जाती है। प्लस से बाहर निकलती है और माइनस की तरफ आ जाती है, प्लस से बाहर निकलती है और एक दूसरे से जुड़ जाती है ऐसे ही, क्योंकि ये आकर्षण बल लग रहा है, ये अंदर की तरफ आएंगी तो एक दूसरे से क्या होंगी, जुड़ जाएंगी ऐसे यूं आकर्षण बल के कारण। और ये कभी एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। किसी भी वैद्युत बल रेखा, मान लो ये वैद्युत बल रेखा है, इस पर खींचा गया स्पर्श, ये वैद्युत बल रेखा है और इस पर खींचा गया स्पर्श, स्पर्श रेखा जो खींचा जाएगा वो बताता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ये क्या बताएगा, वेक्टर की वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है, क्षेत्र की दिशा। अब चलो ठीक है कि किसी कोई वैद्युत आवेश है उसके चारों तरफ किसी आवेश को लाने पर क्या होगा कि फोर्स लगेगा, लेकिन तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन अब वहां कितना वैद्युत क्षेत्र है ये चीज हम लोगों को याद करना है। तो वैद्युत क्षेत्र कितना है, कहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा लगेगा, कहां बल कम लगेगा, आवेश में कहां ज्यादा लगेगा, इस चीज के लिए हम लोग एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो शुरू से अंत तक देखना, फिर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल वायु क्षेत्र की तीव्रता, इसमें क्या होता है, किसी वायु क्षेत्र में जब कोई धन परीक्षण आवेश लाते हैं तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, वायु क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, कि एक आवेश पर कितना बल लग रहा है। ठीक, तो इसको यूं हम लोग लिख सकते हैं, किसी वायु क्षेत्र में, वायु क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण मतलब जो भी लाया जाए, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वायु क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास एक आवेश है प्लस क्यू, और इसके पास लाया गया यहां कोई धन, एकांक धन परीक्षण आवेश, आप प्लस क्यू नॉट भी मान सकते हो, या एकांक मतलब होता है एक कूलम्ब भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो, एक कूलम्ब। ठीक, यहां एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है, मतलब एक कूलम्ब आवेश पर जो बल लग रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि आवेश Q को वायु क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल F हो, तब F हो, तब एकांक, भाई Q आवेश पर बल F लग रहा है, तो एक आवेश पर क्या लगेगा, F बटा Q। E बराबर F बटा Q, E बराबर क्या होगा, F बटा Q होगा एकांक आवेश पर, क्योंकि क्यों आवेश पर एफ बल लग रहा है। मान लो कोई वायु क्षेत्र है, इसी धन परीक्षण आवेश में वायु क्षेत्र है, और इसमें लाया गया कोई आवेश होगा तो भी वायु क्षेत्र होगी, क्यों आवेश को लाया गया, प्लस किसको लाया गया, क्यों आवेश को, और उसमें फोर्स कितना लगा, एफ, तो फिर हमारी ई बराबर क्या होगी, एफ बटा क्यू होगी। ई क्या है, वायु क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाया जाता है ई से, वायु क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे साथियों, आप देखेंगे ई का मात्रक, तो ई का मात्रक क्या होगा भैया, बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये हो गया इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक क्या हो गया, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। और हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन बल का मात्रक है, अगर इसका बीमीय सूत्र निकालना है तो बल बराबर क्या होता है, एम, ए जो न्यूटन है बल है, तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, हम लोग जानते हैं ये एम ए बटा क्यू बराबर आई जी, ये हम लोग इसका जब बीमीय सूत्र निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों तो फिर निकलेगा, एम का ब्रह्मांड का एम होता है, कोण का एल टी माइनस टू होता है, फिर आई का एम्पियर होगा और टी का टी होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस हो जाएगा, तो इसका बीमीय सूत्र बनेगा एम एम टी माइनस थ्री और ए माइनस हो जाएगा, दो ए था एक माइनस जाएगा तीन और ये बी माइनस, ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। स्क्रीन शॉट ले लीजिए मेरे साथियों, छह
चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरी टॉपिक, किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली टॉपिक है किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की, या कभी कभी वैद्युत क्षेत्र ही लिखते हैं इसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग निकालेंगे किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे प्यारे साथियों आराम से पढ़िए, चीजों को अच्छे से समझिए, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में आइए, तुरंत कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन अच्छे से समझने का प्रयास करो। इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है, ये इस बिंदु पर रखा है ये पर, और इससे r दूरी पर एक बिंदु p है। अब क्या है, ये वैद्युत बल रेखा है, तो वैद्युत बल रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी बाहर की तरफ, तो ये e होगी। यहां पर हमको e ज्ञात करना है। अब यहां पर एक घन परीक्षण आवेश लाते हैं, एकांक आवेश, आप एक कूलम आवेश भी लिख सकते हो यूं, तो चलो घन परीक्षण आवेश क्यू नॉट लाते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, माना आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर क्या है, बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की याद करनी है, वैद्युत क्षेत्र ई याद करनी है। मेरे प्यारे साथियों आराम से चीजों को समझिए, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमको रट्टा नहीं मारना है, हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे समझना है, अच्छे से समझना है बस। अब क्या हुआ, बिंदु पी पर हमने क्या किया, बिंदु पी पर घन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखने पर, प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, भैया प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों प्लस है, लगने वाला बल कितना बल लगेगा, कूलाम का नियम हम लोग जानते हैं, एफ बराबर के लिख लो, या के की जगह पे 1/4 pi epsilon 0 भी हम लोग लिख सकते हैं, क्यू इंटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ये तो ये। आप क्या लिखेंगे कि यहां इस पर लगने वाला एकांक आवेश पर लगने वाला बल, या ई बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना, तो ई बराबर यहां पर जितना बल लगे, तो कितना बल लग रहा है, किस पर लग रहा है, इस आवेश पर, क्यू नॉट पर, तो ई बराबर हमारा हो जाएगा, एफ का मान ये रख देंगे के क्यू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, और क्यू नॉट नीचे आ जाएगा, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर, के की जगह पे हम 1/4 pi epsilon 0 भी रख सकते हैं, तो ई बराबर क्या हो गया, 1/4 pi epsilon 0 क्यू बटा आर स्क्वायर, ये हो गया किसी आवेश के कारण। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ई है वो समानुपाती है क्यू के, और क्यू समानुपाती है आर के, जैसे मतलब कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश है, उससे जितने दूर जाएंगे उस तो हमारी वैद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा। जैसे आप एक चुंबक ले लीजिए, चुंबक के पास कोई चीज लाएंगे तो जल्दी आकर्षित करेगा, चुंबक से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारी क्या होगी, उसकी चुंबकीय शक्ति, खींचने की शक्ति घटेगी। ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कब, जब हम उस चार्ज पार्टिकल से दूर जाएंगे, लेकिन जब उसके पास होंगे आर कम होगी तो ई बढ़ेगी, और क्यों अगर बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, तो फिर ई बढ़ेगी। एक दूसरी विधि इसकी है, बहुत आसान विधि, एकांक आवेश, जहां हमने क्यों माना था
वहां हम ये मान लें यहां एक गुलाम आवेश है, तो एकांग आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी वायु क्षेत्र में एकांग आवेश पर लगने वाले वायु बल को क्या कहते हैं? वायु क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एक गुलाम आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? एक गुलाम आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल, तो एक गुलाम आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F 1/4 pi epsilon 0 लिख लो या k लिख लो, तो q बड़े 1 बटा दूरी क्या है r इस पर, F 1/4 pi epsilon 0 q बटा r इस पर, और इसी को क्या कहते हैं? एकांग आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वायु क्षेत्र। तो ये क्या हो जाएगा? एकांग आवेश पर लगने वाला बल F है, तो E बराबर क्या होगा? E बराबर F, एकांग आवेश पर लगने वाला बल। एकांग एक के आवेश को माने थे, एकांग आवेश पर लगने वाला बल, वायु क्षेत्र की तीव्रता होगा, तो E बराबर F हो जाएगा। E बराबर 1/4 pi epsilon 0 q बटा r इस पर। मेरे प्यारे साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अन्य ग्रुप में भी भेज देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।